वहीं सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इतनी घनी आबादी के क्षेत्र में जब कोई प्रमुख शख्सियत निकलती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि एफआईआर करने से पहले बात करनी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहे थे और आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई, मैंने पूछा भी इसी बाबत, तो बता भी रहे थे कि कैसे वहाँ एक विधानसभा में 7-7 लाख मतदाता हैं, हमारे यहाँ 2.5 लाख मतदाता एक विधानसभा में, 3 लाख हो गए तो बहुत मतदाता होते हैं, वहाँ 7-7 लाख, एक एक कस्बा 1-1 लाख का, इतनी घनी आबादी का क्षेत्र रहता है, कोई भी प्रमुख व्यक्ति अगर निकलते हैं तो कोई ना कोई अगल बगल के लोग भी अगर जुड़ जाते हैं तो वो संख्या 5 से ज़्यादा, जो 144 धारा के प्रावधान है इत्यादि, तो ठीक है, हर व्यक्ति जिम्मेदारी समझता भी है और अपने तरफ से भरसक प्रयास करता है कि कोई उल्लंघन ना हो, इन ऐसी छोटी बातों पे सीधे एफआईआर करने के पहले मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, कहना चाहिए कि देखिए ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आप देखें कि ऐसा ना हो, और फिर भी अगर बार बार कोई उल्लंघन हो रहा हो तो एक अलग बात होती है।